मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 नेहरू जी की बेटी इंदू के नाम पत्र, ये इसका पेज नंबर 61 पूरा कंप्लीट कर लिया था और 62 का थोड़ा सा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि नेहरू जी ने पत्र लिखा है किसको, इंदू को, और वो बता रहे हैं कि तुम तो जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिन तक इसमें कोई आदमी नहीं था और आदमियों में पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर जानदार चीज नाश थी। आज जब दुनिया में हर तरह के जानवर और जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। अब यहाँ कुछ था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा है, एक समय ऐसा था जब यह धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अब इतिहास की किताबों में तुम पढ़ सकती हो कि लेकिन पुराने जमाने में आदमी तो पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, हमें इस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें। यह बड़े किसके मजे की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज पहले चाहते सोच लेते और खुद परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानियाँ किसी ने ना उनको देखा है ना सुना है तो वो कैसे जानते, जिनसे हमें उतने ही बातें मालूम होती जितनी किसी किताब से होती हैं। वे क्या पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की और भी जितनी ही चीज है, उनसे ही दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल क्या करें, किताबें ही पढ़ें, बल्कि क्या करें, खुद संसार रूपी किताबों को या पुस्तकों को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्रों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, पेज नंबर 62 निकाल लीजिए, लेसन नंबर 9, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। यानी वो बोल रहे हैं नेहरू जी इंदिरा जी से कि तुम जिसे यानी कहाँ पर रास्ते में पड़ा एक रोड़ा देखती हो, यानी कि रोड़ा मतलब पत्थर, ठीक है, वो देखती हो तो उसके बारे में क्या करती हो, तुम सोचती हो कि यह नीचे पड़ा हुआ है और शायद यही संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, पृष्ठ यानी पेज हो, ठीक है, शायद उसकी तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शायद यानी वो पत्थर से तुमको क्या हो जाए, नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। ये
यानी कि शर्त ये है कि तुम उस पत्थर की भाषा समझ सको, ठीक है। कोई जवान उर्दू हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। जैसे कि तुमको उर्दू सीखना है, हिंदी सीखना है या इंग्लिश सीखना है, तो उसके अक्षर को जानना पड़ेगा कि ए है, बी है, सी है, आ है, आ है, ई है, ऊ है ना। वैसे ही तुम्हें उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, यानी उसी की तरह तुम्हें भी इसके प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी, ठीक है। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी, उनकी यानी कहानियाँ क्या कर सकोगी, पत्थरों और चट्टानों से किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, है ना। तुम यानी उसको क्या करती हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चिकना और चमकीला रोड़ा देखती हो, यानी वो पत्थर को जब तुम देखती हो गोल रहता है, चिकना और चमक रहा है, तो क्या करती हो तुम, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, उससे तुमको कुछ ज्ञान नहीं होता वो पत्थर को गोल चिकना चमकीला देखने से। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसकी रीडिंग करना और अपनी क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक।